माशाल्लाह देखें, जबरदस्त एग ब्रेड पराठा बहुत ही जबरदस्त बना है। इसकी कटिंग करती हूँ मैं, आपको चेक करवाती हूँ। बहुत ही डिलीशियस है, यमी, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेस्ट है। बच्चों को दें, एंजॉय करें। लेकिन कितना जबरदस्त है। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की जानब। आप लोगों को बताती हूँ एग ब्रेड पराठा कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, बहुत ही कम चीज़ों के इस्तेमाल से ये बनेगी। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है, देखने से ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत कम चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। एक मेरे पास अंडा है, चार ब्रेड के स्लाइसिस हैं, थोड़ी सी सब्ज़ और लाल वाली फ्रेश वाली चिलीज हैं, लहसुन है थोड़ा सा चॉप किया और सब्ज़ धनिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेड के चार स्लाइसिस हैं, इसको ग्राइंडर में डाल के इसका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ये देखें जी, ब्रेड क्रम हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया, साबुत जीरा। इसको हाथ में क्रश करेंगे अच्छे से और ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको ऐड कर देंगे। क्रश करने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो इस साइड पे पड़ी हुई हैं सब्ज़ मिर्चें, लाल मिर्चें, लहसुन और धनिया, हाफ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एक मेरे पास है अंडा, इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत हुई उतना दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। दूध ऐड करने के बाद ये देखिए मैंने इसको मिक्स किया है। अब सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब मैदा। दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को हर तरफ फैला लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर ये जो हमने बैटर रेडी करके रखा हुआ था इसको ऐड करेंगे, सेंटर में ऐड कर लें और इसको चम्मच की मदद से फैलाते जाएं। चम्मच की मदद से फैलाकर आपने इसको एक रोटी की शेप दे देनी है। अब जैसे ही इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगे, इसके ऊपर सब्ज धनिया और मिर्चें जो मैंने बचा के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसको तकरीबन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कवर करके हम कुक करेंगे जब तक इसका ऊपर से भी कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए जी, पैन को मैंने कवर कर दिया है, ये अंदर से कुक हो रहा है स्टीम के साथ, ये ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में हम इसको टर्न करेंगे कलर देने के लिए, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। एक तरफ से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, अब हम इसको टर्न करते हैं कलर देने के लिए। ये देखेंगे कितना जबरदस्त इसको एक तरफ से कलर आ गया है, सेम इसी तरह लाइट गोल्डन कलर में चेंज होने तक इसको दूसरी तरफ से भी कुक करेंगे। फिर इसको मैं डिश आउट करूंगी और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी।
ये देखें जी, जबरदस्त एग ब्रेड पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है। एक तरफ से कलर आने के बाद मैंने सेम दूसरी तरफ उसको कलर दिया और उसको फ्लेम बंद करके मैंने डिश आउट कर लिया। ज्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, बहुत ही जबरदस्त ये बना है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।